कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह दोस्तों आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिमेडियल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षण तंत्र। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है उसको कहते हैं, और ये हमारे फार्मेसी के बायोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक कवर करते हैं हमारे इस वीडियो में, और समझते हैं हम इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन, वो भी हिंदी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको इम्यून सिस्टम पूरा समझ आएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप एनके फार्मेसी नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों एनके फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि बायोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब भी मेरे चैनल के माध्यम से आएगा तो आपको सबसे पहले मिल जाए, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, द ऑर्गन्स एंड सेल्स इन्वॉल्व इन द बॉडीज डिफेंस सिस्टम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द इम्यून सिस्टम। द इम्यूनोलॉजिकल सेल्स कैन बी ग्रुप्ड इंटू टू मेन कंपोनेंट्स। जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट क्या है हमारा, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। दूसरा हमारा लिम्फोइड कंपोनेंट। तो दोस्तों ये दो हमारे इसके कंपोनेंट हो गए। चलिए दोस्तों समझते हैं इसका हिंदी मीन्स क्या है। शरीर की रक्षा प्रणाली में शामिल अंगों और कोशिकाओं सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली का गठन करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञानी कोशिकाओं को दो मुख्य घटकों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम की हिंदी में अनुवाद हो गया। चलिए इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं उनका नाम समझ लेते हैं, उनको समझते हैं क्या है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं उनको विस्तार से समझाने वाला हूँ उसको लॉन्ग में। तो दोस्तों अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में इसका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और लिम्फाइड कंपोनेंट्स दोनों पे वीडियो आपको प्रोवाइड्स करा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला हमारा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जालीय अंतःकला कोशिका प्रणाली, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसी तरह दोस्तों लिम्फोइड कंपोनेंट लसीकावत घटक होता है। दोस्तों लसीकावत घटक को मैंने नीले पेन से लिख दिया है क्योंकि मेरा ब्लैक जो मार्कर है वो ख़राब हो गया है, तो इसको आप कुछ स्पेशल ना समझें कि मैंने अलग कलर चेंज कर दिया इसलिए कुछ इसमें अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों मैंने इसलिए इसको लिख दिया है कि मेरा पेन ख़राब हो गया था और इसमें कोई भी मुख्य बात नहीं है अलग से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षण तंत्र का वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों को, जिससे कि दोस्तों उन्हें भी अच्छा वीडियो अच्छा टॉपिक मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए एनके फार्मेसी नॉलेज के साथ, और अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए एनके फार्मेसी नॉलेज के साथ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमें मोटिवेट कर दीजिए, जिससे कि मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड्स कराता रहूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसके हम आगे के टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद, धन्यवाद।